10 नवंबर से SBI अपने होम, ऑटो और पर्सनल लोन सस्ते कर रहा है। जो लोग इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। SBI ग्राहकों के लिए वाकई अच्छी खबर है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। SBI ने 10 नवंबर से MCLR की दरें 0.05% तक घटा दी हैं। अब अगर आप होम, ऑटो और पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वहीं आप अगर इन दोनों बैंकों से मौजूदा ग्राहक हैं तो भी आपको घटी हुई दरों का फायदा मिलेगा। इससे पहले 10 अक्टूबर 2019 को भी बैंक ने MCLR दरें 0.10% तक घटा दी थी। 4 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरें 0.25% घटाने का ऐलान किया था। इसके बाद रेपो रेट 0.25% घटकर 5.1% आ गई है। SBI के मुताबिक बैंक ने सभी अवधि के लिए MCLR दरें 0.05% तक घटाई हैं। अब एक साल के लिए नई MCLR दरें 8.05% से घटकर 8% यानी कि 8% रह गई हैं। नई दरें 11 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं। बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में लगातार 7वीं बार अपनी दरें घटाई हैं। ये सारी चेंजेस होने के बाद अब EMIs भी 0.05% की सस्ती हो जाएंगी। RBI के रेपो रेट घटाने के बाद SBI ने MCLR पर आधारित लोन की दरें घटा दी हैं। अब हर महीने EMIs 0.05% तक सस्ती हो चुकी हैं। बैंकों द्वारा MCLR घटाए या फिर बढ़ाए जाने का असर नए लोन लेने वालों के अलावा उन ग्राहकों पर भी पड़ता है जिन्होंने अप्रैल 2016 के बाद लोन लिया था। SBI के अलावा HDFC लिमिटेड ने भी अपना रेट घटा दिया है। इससे पहले HDFC लिमिटेड ने अक्टूबर में अपनी फ्लोटिंग लोन की ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत ब्याज दरों में कमी के बाद बैंकों ने ब्याज दरें घटाने का फैसला किया। चलिए अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि MCLR क्या होता है। बैंकों द्वारा MCLR घटाए या फिर बढ़ाए जाने का असर नए लोन लेने वालों के अलावा उन ग्राहकों पर पड़ता है जिन्होंने अप्रैल 2016 के बाद लोन लिया था। दरअसल अप्रैल 2016 से पहले रिजर्व बैंक द्वारा लोन लेने के लिए तय मिनिमम रेट बेस रेट कहलाती है, यानी बैंक इससे कम दर पर कस्टमर को लोन नहीं दे सकते थे। वहीं 1 अप्रैल 2016 से बैंकिंग सिस्टम में MCLR लागू हो गया और ये लोन के लिए मिनिमम दर बनाई गई, यानी कि उसके बाद MCLR के आधार पर ही लोन दिया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।